أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. हमारी गुफ्तगु इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन के ज़ेल में चल रही थी और तीन माना इबादत के बयान हुए, एक इताअत के माना है, एक खुज़ू खुशू के माना है और एक ताल्लो यानी वो इबादत करना। इस मसले को महरूम आवाज खोई अपनी किताब अल बयान में इसकी थोड़ी वजाहत करते हैं और फरमाते हैं कि ये जो तीसरा माना है यानी इबादत के मानों में आना, ताल्लो यानी खुदा की इताअत करना और इताअत नहीं खुदा के लिए इबादत करना भी उन्होंने माबूद जिसको हम परस्तिश जिसको हम इबादत कहते हैं। और जब भी लफ्ज इबादत आता है और कोई करीना ना हो, कोई इशारा ना हो, कोई दलील ना हो, तो लफ्ज इबादत उसी इबादत के मानों में है। लेकिन जैसा कि आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था कि कभी इताअत के मानों में आता है जैसे सूरह यासीन की आयत नंबर 60, कभी खुजू और तजल्लुल के मानों में आता है जैसे सूरह मोमिनून की आयत नंबर 47। हो कहते हैं कि इबादत इसको कहते हैं तौहीद दर इबादत। इबादत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद मुताल ही की जाती है और ये वही तौहीद है कि जिसके लिए खुदावंद मुताल ने अंबिया को भेजा और इसकी खातिर कुरान मजीद किताबों को नाजिल किया, कुरान मजीद नहीं तमाम किताबों को। इसके लिए इस आयत को बेअनवान नमूना बयान करते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदावंद मुताल मुखातब होकर कहता है कुल कह दो या अहलल किताब अहले किताब जितने भी अहले किताब हैं तआलु इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम कि आओ हम सब के सब जो एक मुश्तरक कलिमा है तुम्हारे और हमारे दरमियान में उसमें हम उसकी तरफ आओ। वो क्या है एक मुश्तरक कलमा क्या है वो ये है अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन कि हम
अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें और खुदा के साथ किसी को शरीक ना करार दें। वला यत्तखिज़ा बाबुना बाबन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम में से बाज को रब ना करार दें खुदा को छोड़कर। अब ये जो आखिरी टुकड़ा है, ये हमारे उससे ताल्लुक नहीं है जो शाहिद मिसाल है, जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल ये है कि एग्जाम्पल है वो है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करार दें, ना करें, और खुदा के साथ किसी को शरीक ना करार दें। तो ये एक ऐसा अमर है कि जो तमाम अदियान साबिका में मुश्तरक है, जितने भी मजाहिब और अदियान जो दीन गुजरे हैं, उन सब में ये बात मुश्तरक है कि अल्लाह को अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं करार देना। बस अल्लाह के ऊपर ईमान ये अल्लाह के अलावा की इबादत के साथ जमा नहीं हो सकता है। दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती है, कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए और इबादत हम गैर खुदा की करें, ये नहीं हो सकता है। जब हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए तो इबादत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद मुताल की होगी। अब यहाँ पर आगे कोई एक नुक्ता बयान करते हैं कि गैर खुदा की इबादत के दो रीजंस हो सकते हैं, गैर खुदा की इबादत के दो मंशा रीजन बैकग्राउंड हो सकते हैं। एक ये है कि खालिक मुतअद्दिद है, एक से ज्यादा खालिक है, यानी तौहीद फिज़ात का इनकार करना, इस वजह से गैर खुदा की भी इबादत है तौहीद दर्जात का इनकार करना, यानी दो खुदा हैं, मुस्तकिल दो खुदा हैं, ये इस वजह से गैर खुदा की इताअत है। एक मंशा ये है, एक रीजन ये है, एक वजह ये है कि गैर खुदा की भी इबादत है, अब चाहे शराकत में, चाहे मुस्तकिलन, या खुलासा ये कि खुदा के अलावा भी इबादत हो रही है, एक मंशा और एक वजह ये है। दूसरा मंशा, दूसरी वजह, दूसरा रीजन वो ये है कि इंसान ये अकीदा रखे कि खुदा की खुदावंद मुताल अपनी मखलूक से जुदा है, कोई राबता नहीं है। इंसान की दुआ, इंसान की पुकार खुदा तक नहीं पहुंचती है। बल्कि हम सब मोहताज हैं कुछ वास्तों के, कि जो वास्ते खुदा तक पहुंचाने वाले हैं। कुछ वास्ते हैं जो खुदा तक पहुंचाने वाले हैं। ये दो अकीदे जो बातिल अकीदे हैं, या तो तवज्जो किया अपने दो अकीदे, एक ये है कि हम खुदा के साथ किसी को मुस्तकिलन बराबर करार दें, एक ये कि नहीं, बल्कि खुदा अपनी जगह पर मौजूद है, वहदहू ला शरीक है, लेकिन खुदा अपनी मखलूकात से कटा हुआ है,
डिसकनेक्ट है, कोई कनेक्शन नहीं है बंदे और खुदा के दरमियान। हमारी आवाज खुदा तक नहीं पहुंच रही है, बल्कि हम सब मोहताज है एक खुदा के या मुतअद्दिद खुदाओं के, जो हमारी बातों को वहां तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये दो वजूहात, दो रीजंस बयान किए गैर खुदा की इताअत की। इताअत से मुराद इबादत, इताअत का लफ्ज निकाल देंगे, इताअत अलग चीज है। इबादत, इबादत किसको कहते हैं? परस्तिश, जो हम नमाज पढ़ते हैं ना खुदा की, ये इबादत कहलाती है। मैं खुदा के लिए किसी इबादत को अंजाम दूं, जिसमें हम कज़ क़ुर्बत कहते हैं। इताअत किसको कहते हैं? इताअत आगे जाके हम इसको बयान करेंगे। बस दूसरा अकीदा क्या हुआ कि खुदा अपनी मखलूकात से जुदा है और कुछ बीच में वास्ते हैं, खुदा है कि जो हमारी बातों को खुदा तक पहुंचाने वाले हैं। जैसे बादशाह लोग होते हैं, बादशाह जो मुल्क का बादशाह होता है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर और जो भी लेवल का होता है, उसमें आवाम का अपने बादशाह के साथ, अपने हाकिम के साथ कोई डायरेक्ट राबिता नहीं होता है, बल्कि थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ करता है। तो खुदा के बारे में ये अकीदा रखना, और ये अकीदा सबब बन रहा है कि इंसान गैर खुदा की इबादत करता है। जैसे बुतों की इबादत, बुतों की जो इबादत करते हैं वो इसी रीजनिंग और रीजन की वजह से, और उनकी जो रीजनिंग है वो यही है कि ये दरअसल हम इसको खुदा नहीं मानते हैं, बल्कि हम इनकी इबादत करते हैं कि इनकी इबादत के जरिए हम अपने खुदा तक पहुंचते हैं। उसके बाद आगा खुई फरमाते हैं, ये नुक्ता काबिल तवज्जो है, आगा खुई फरमाते हैं कि इन दोनों अकीदों की तरफ कुरान की आयात इशारा करती हैं, और दोनों अकीदों को कुरान की आयात डिनाई करती हैं, मना करती है, रिजेक्ट करती है, डिनाई करती है, और अकीदे को बातिल करार देती है। कुरान की आयात में इन दोनों अकीदों को बातिल करार दिया है। कैसे दोनों अकीदों को बातिल करार दिया है, वो किस तरह कुरान की आयत में ये दोनों अकीदों की तरफ इशारा है? पहला अकीदा क्या था कि जहां पर हम खुदा को के साथ साथ हम दूसरे खुदाओं को पुकार रहे हैं, खुदा के साथ साथ हम दूसरे खुदाओं को पुकार रहे हैं, यानी एक दो खुदा है, तौहीद दर ज़ात का इनकार है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 22, सूरह अंबिया की इन आयत को आप जरूर बजरूर या साथ साथ या दर्स के बाद इन आयत को आप देखें। ये मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये कुरान की तफसीर ऐसे नहीं कि हम चलते फिरते जो कि उसको काम करते करते सुन ले, नहीं, ये फायदा नहीं होगा जब तक हमारे सामने कुरान की आयात की होगी। यही कुरान, ये जो कुरान में कहा गया अफला ये क्यों जो को तदब्बुर नहीं करते, क्यों ताकुल नहीं करते हो, तो यही तदब्बुर और ताकुल है। ये जो कुरान ने कहा कि तदब्बुर क्यों नहीं करते, ताकुल क्यों नहीं करते, तो ये कुरान की आयात को हमें सामने रख के जो उसको सही मुताला करना होगा, और जो क्लास में हम डिस्कस करते हैं, मुबाहसा करते हैं, उसको हम देखना पड़ेगा। अब ये दो आयतें, फिर दोबारा मैं तकरार करूं, ये दो आयतें किस पहले अकीदे, पहला जो बातिल अकीदा है कि अल्लाह के साथ साथ दूसरे खुदाओं को, इसको कुरान की दो आयतें हैं कि जिसको बातिल करती है इस अकीदे को। ये दो कुरान की आयत इस अकीदे को बातिल करती है। एक आयत सूरह अंबिया की आयत नंबर 22, बहुत ही मशहूर मारूफ आयत, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। देखें ये कि अगर जमीन और आसमान में अगर एक अल्लाह के अलावा अगर और खुदा हैं, यानी ये मुस्तकिलन है, इसको कहते हैं अर्ज में,
अर्ज यानि विड्थ वाइज यानि मुस्तकिलन, ये एक होता है तूल लंबाई में, एक होता है अर्ज में, यानि ये भी खुदा है ये भी खुदा है, एक अल्लाह है और अल्लाह के साथ साथ शरीक और भी खुदा है, वो तूल भी शरीक कहलाएगा, वो तूल भी शरीक कहलाएगा, वो भी शिर्क है। लेकिन एक दो तरीके से तसव्वुर करें, एक दफा आप ये कहें, मिसाल के तौर आप कहें कि मुल्क का ये भी बादशाह है ये भी बादशाह है, बिल्कुल दोनों बराबर बराबर बादशाह हैं, तो ये कहलाएगा अर्ज। एक दफा आप कहें कि नहीं बादशाह है, बादशाह के बाद वजीर है, तो ये हो जाएगा अर्ज, ये हो जाएगा तूल। अभी हमारी बात किस में चल रही है, अर्ज में चल रही है, पहला अकीदा अर्ज में है, दूसरा अकीदा तूल में है। तो ये जो कुरान की आयत है सूरह अंबिया की आयत नंबर 22, ये अर्ज में दो खुदाओं को डिनाई कर रही है। लो काना फीमा आलियतुन इल्लल्लाह, अगर जमीन और आसमान में अगर एक खुदा के अलावा अगर मुतअद्दिद खुदा होते तो लफसदा था। अब ये इंशाल्लाह जब कुरान की आयत पे हम पहुंचेंगे सूरह अंबिया की, इंशाल्लाह अज़ीज़ बिऔनिल्लाह, जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो इस आयत की वहां पर तफसीर करेंगे कि ये आयत क्या बयान कर रही है, इंशाल्लाह इसकी तफसीर हम वहां पर बयान करेंगे। लेकिन ये आयत कह रही है कि अगर दो एक अल्लाह के अलावा अगर मुतअद्दिद खुदा होते तो जमीन और आसमान में, तो ये जमीन और आसमान दरम बरम हो जाता, खत्म हो जाता, मुनहदिम हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। ये एक आयत। दूसरी आयत सूरह मोमिनून की आयत नंबर 91, अब इसको मुलाहिज़ा फरमाएं, ये एक जो हमारा एक तौहीद के ऊपर लेक्चर था उसमें हमने इस आयत को डिस्कस नहीं किया था। ये तौहीद की एक और दूसरी दलील है, तवज्जो करें, तौहीद की दो दलीलें कुरान बयान करता है, तौहीद यानि एक, उसकी दो दलीलें कुरान बयान कर रहा है। एक ये वाली आयत सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 और एक ये, और ये वाली जो आयत है अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के कलाम में भी इस तौहीद की तरफ इशारा है, सूरह मोमिनून आयत नंबर 91। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा काना माअहु मिन इलाहिन, अगर खुदा के साथ अगर कोई और खुदा होता, इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक, तो जरूर बा जरूर, इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन, तो हर खुदा की अपनी मखलूकात होती, हर खुदा की अपनी मखलूकात होती। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के कलाम में ये मतलब कैसे मिलता है, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने नहजुल बलागा में इस तरीके से बयान किया कि अगर दूसरा खुदा होता तो वो भी अपनी शरीयत भेजता, वो भी अपने अंबिया को भेजता, वो भी अपने रसूलों को भेजता। अमीरुल मोमिनीन ने इस अंदाज से तौहीद की दलील दी, खुदावंद मुताल ने कुरान में इस अंदाज से दलील दी कि वमा काना माअहु मिन इलाहिन, अगर खुदा के साथ अगर दूसरा कोई खुदा होता, इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन, तो हर खुदा की अपनी एक मखलूक होती, हर खुदा की अपनी अपनी मखलूकत होती, उसकी अपने प्रोडक्ट्स होती, उसकी अपनी जो कि वो क्रिएटर्स होते हैं जिसको उन्होंने जो वो खल किया। अब जब ऐसा नहीं है तो बस साबित हुआ कि सिर्फ अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। तो आपने देखा ये दो आयात कुरान की किस चीज़ को डिनाई कर रही है, किस चीज़ को बातिल कर रही है, ये अकीदा कि हम कहें कि अर्ज में विर्द में ये भी खुदा है वो भी खुदा है, ये दोनों आयत उसको डिनाई कर रही है, रद्द कर रही है। ये एक अकीदा। खूब तवज्जो किया आपने, हमारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, किससे हमारी बहस को रिलेट करके रखें, हमारी बहस क्या चल रही है कि गैर अज खुदा दूसरे खुदाओं की इबादत का मंशा और रीजन दो एतकाद हो सकते हैं। एक एतकाद यह है कि हम कहें कि एक से ज्यादा खुदा है, दूसरा अकीदा यह है वो बादशाहत वाला, बादशाहों वाला, कि वो खुदा एक बादशाह है, बादशाह तो है लेकिन दुनियावी बादशाहों की तरह अपनी रियाया और अपनी आवाम से डिस्कनेक्ट है, कोई रबते में नहीं है, बल्कि बीच में वास्ते हैं, खुदा है, बुत है, वास्ते हैं कि जो उस खुदा तक पहुंचाने वाले हैं।
अब आप यहाँ पर एक नुक्ता बयान करते हैं कि ये जो अकीदा है, तवज्जो करें, ये जो अकीदा है इसको कुरान ने तीन तरीकों से बातिल किया है। तीन तरीकों से बातिल किया है। पहले उनको वो बातिल किया है कि दलील लेकर आओ, भाई हर चीज के वजूद के लिए दलील लानी पड़ती है, अगर है ऐसा कोई तो उसकी दलील लेकर आओ। सूरह नमल आयत नंबर 64, अइलाहुन माअल्लाह, अरे अल्लाह के अलावा भी कोई खुदा है? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर ऐसा कोई अल्लाह के अलावा भी कोई खुदा है तो हातु बुरहानकुम, लेकर आओ दलील को, लेकर आओ बुरहान को, लेकर आओ, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर आओ। अगर कोई का यहाँ पर इस आयत से ये इस्तेज़हार है, कोई ये जहूर निकालते हैं आयत से कि यहाँ पर ये तूल में है, अर्ज में नहीं है, यानी पहले वाले अकीदे से ये आयत रिलेट नहीं करती बल्कि दूसरे वाले अकीदे के साथ आयत रिलेट करती है, या आगे खोई का एक इस्तेज़हार है, एक खोई का ख्याल है कि ये आयत उससे ताल्लुक रखती है, लेकिन बहुत वाजे नहीं कह सकते कि ये आयत आया लेंथ वाइज, टूल वाइज इसको बयान कर रही है या विड्थ वाइज और अर्ज में ये बयान कर रही है, बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल है। बज़ाहिर कातियत के साथ अगर आपको इसमें जहूर लगता है, क्योंकि देखिए याद रखिएगा एक बात कि ऐसा नहीं है कि हमारी आंखें और हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप है, हम कुछ समझेंगे आप लोग कुछ समझेंगे, नहीं, जब बताया जाएगा तो हम भी वही समझेंगे आप भी वही समझेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप कहें कि भाई जो वो आप बिल्कुल ब्लैंक है, यानी आप लोग भी जो वो इसको समझ सकते हैं आया ये तूल में है या अर्ज में है। लेकिन उसके बाद की जो आयात है वो मुमकिन है जो वो इसकी निस्बत वाज़ेह तर हो, कि इसको हम देखते हैं। ये पहला एतराज, यानी अगर कोई का मुद्दा क्या है कि ये वो आयत है कि जिसमें तूल में खुदा को बयान किया गया और उसको डिनाई किया, किसके जरिए से? अगर तुम सच्ची हो तो दलील लेकर आओ, क्योंकि दलील तुम्हारे पास, तवज्जो करें, हर वजूद के लिए दलील होनी चाहिए। यानी यहाँ पे एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, तवज्जो करें, ये एक नुक्ता है तौहीद के लिए कि टेक्निकली देखा जाए तो तौहीद वालों को दलील देने की जरूरत नहीं है। तवज्जो करें, ये एक नुक्ता एक जहन में अभी एक नुक्ता आया है, तौहीद वालों को दलील देने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह एक है, बल्कि दलील उन लोगों को देनी जो कहते हैं एक से ज्यादा है। आप जानते हैं ना कि खुदा के सिलसिले में दो डिस्कशन होते हैं, दो गुफ्तगू होती है। एक गुफ्तगू ये होती है कि खुदा है या खुदा नहीं है, ये एक डिस्कशन है, ये तौहीद की गुफ्तगू नहीं है, ये वजूद की गुफ्तगू है कि तो खुद खुदा है या खुदा नहीं है,
जो कम्युनिस्ट है वो खुदा असल खुदा का इनकार करते हैं। मुसलमान या मुसलमान नहीं फकत बल्कि तमाम जो मजहब वाले हैं वो कहते कि नहीं कोई क्रिएटर है, कोई बनाने वाला है। तो तो एक बहस होती है, एक वजूद मौजूद है या मौजूद नहीं है। जब हम इसको टेक्निकली साबित करते हैं कि खुदा मौजूद है, तो अब मुसलमान को, अगर अगरचे मुसलमान खुदा के एक होने के लिए दलीलें लेकर आते हैं जैसा कि दो आयतें ऊपर बयान हुई, लेकिन अगर मुसलमान के पास अगर कोई दलील ना भी हो तो इसको हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि दलील वो लेकर आए जो एक से ज्यादा का दावेदार है, एक से ज्यादा का खुदाओं की बातें करता है, वो साबित करे। जैसे कुरान ने सूरह नमल की आयत नंबर 64 में इशारा किया, आएला उन माल लाए, आए अल्लाह के अलावा कोई और खुदा है? अगर तुम सच्ची हो तो दलील लेकर आओ, तुम दलील लेकर आओ, हमें दलील देने की जरूरत नहीं है। तुम कहते हो हजरत ईसा जो को बेटा है, तो तुम दलील लेकर आओ, तुम प्रूफ करो इस बात को, तुम प्रूफ करो इस बात को। तुम कहो कि एक से ज्यादा अगर खुदा है तो तुम इस बात को प्रूफ करो। खैर, बस ये एक नुक्ता। अब इसमें इख्तलाफ हो गया कि आया ये आयत पहले वाले अकीदे से रिलेट करती है कि मुमकिन, हमारे ख्याल से मुमकिन है पहले के अकीदे से भी रिलेट कर सकती है, या दूसरे वाले अकीदे से रिलेट करती है कि जैसा कि अगफी का ख्याल है कि दूसरे अकीदे से रिलेट करती है। लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा वाजे नहीं है, अगर आपके लिए है तो खूब अच्छी बात है। खूब इसी दूसरे अकीदे को आगे कहते हैं कि कुरान की दूसरी आयात इस दूसरे अकीदे को, दूसरा अकीदा क्या था कि बीच में कुछ वास्ते हैं कि जो खुदा तक पहुंचाने वाले हैं, इस दूसरे अकीदे को बातिल करती है कुरान की आयात, ये कहकर कैसे कि अगर तुम जिन बुतों की परस्तिश करते हो, आया वो क्या तुम्हारी आवाज को सुनते हैं? आया वो क्या तुम्हारी पुकार को सुनते हैं? आया तुम्हें कोई वो नफा देते हैं? आया तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं? कुरान उनकी अकलों को झिंझोड़ रहा है कि तुम अपने बनाए हुए बुतों की परस्तिश करते हो कि न जो सुनते हैं न तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं न तुम्हें कोई नुकसान दे सकते हैं। उनकी तरफ ये आयत इशारा करती है, सूरह शोरा की आयत नंबर 71, 72, 73, 74 के दौरान ये हजरत इब्राहिम के जमाने के कुफार की गुफ्तगू है। कालू नअबुदु असनामन फनजल्लु लहा आकिफीन काल हल यस्मऊनकुम इज तदऊना औ यनफऊनकुम औ यजुरूना قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون। سورہ شعراء 26 سورہ آیت نمبر 71, 72, 73, 74 کہ وہ کفار نے کیا کہا, نعبد اصناما, ہم ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں, فنظل لها عاکفین, اور ہم مسلسل اس کے
करीब रहते हैं, इसके हम इसके साथ होते हैं। काला तो हजरत इब्राहिम ने कहा, हल यस्माउनकुम, क्या ये तुम्हारी इस तदऊना, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या तुम्हारी दुआ को सुनते हैं? अच्छा, सबसे पहला एक नुक्ता यहां पर सुन लें, ये कैसे पता चले कि यहां पर इस आयत में ये खुदाओं के कौन सी किस्म है, यानी कौन सा बातिल अकीदा है, पहला वाला या दूसरा वाला? ये कौन सा बातिल अकीदा है, पहला वाला या दूसरा वाला? और मुमकिन आप कहें कि भाई ये तो ये भी पहला वाला अकीदा हो सकता है। नहीं, क्यों? इसलिए कि इसमें जिक्र है बुतों का, और मालूम है कि बुत ये वसीला हुआ करते हैं अल्लाह तक के लिए। बुत डायरेक्ट, कोई भी मजहब बुतों को खुदा नहीं मानता है, बल्कि इनको वसीला मानता है। इनके तकर्रुब के जरिए से खुदा का तकर्रुब हासिल होता है, ये अकीदा होता है जो भी बुतों को मानने वाले होते हैं। तवज्जो की आपने, और खुद कुरान का ये कहना कि वो तुम्हें ना कोई फायदा पहुंचाते हैं ना तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचाते हैं, मालूम है कि वो खुदा तो पहुंचाते हैं। यानी जो लोग खुदा को, तवज्जो करें एक नुक्ता, जो लोग खुदा के मद्दे मुकाबिल दूसरे खुदा को, यानी विर्द में अर्ज में दूसरे खुदा को लेकर आते हैं, वो दूसरा खुदा नफा भी पहुंचाएगा नुकसान भी पहुंचाएगा, क्योंकि वो साहिब कुदरत है साहिब ताकत है, इसी खुदा की तरह है। अगर कोई ये अकीदा रखता है कि एक खुदा के साथ साथ दूसरा खुदा है, तो वो तो सुनने वाला भी है, वो नफा देने वाला भी है, वो नुकसान देने वाला भी है। लिहाजा पता चलता है कि ये आयत जो सूरह शुरा की आयत हजरत इब्राहिम के किस्से में, ये तूल में है, लेंथ वाइज है, यानी ये बुतों की इबादत करते हैं ताकि ये बुतों के तकर्रुब के जरिए से खुदा तक का तकर्रुब हासिल हो। अब इसको कुरान इनकी अकलों को इस तरह झिंझोड़ रहा है, या हजरत इब्राहिम इस तरह झिंझोड़ रहे हैं, हल यस्माउनकुम इज़ तदऊन, कि क्या वो तुम्हारी समाअत को, तुम्हारी गुफ्तगू को सुनते हैं, तुम्हारे अल्फाज को सुनते हैं, तुम्हारी गुफ्तगू को सुनते हैं, इज़ तदऊन, जब तुम उनको पुकारते हो तो? और मालूम है कि उनका जवाब आएगा कि नहीं, ये तो ये कहां से सुनेंगे, ये तो स्टैचू है, ये तो बुत है, ये तो लकड़ियां हैं, ये तो पत्थर के बनाए हुए बुत हैं। और यनफाउनकुम, या तुम इसको कोई तुम्हें नफा देंगे ये, और यज़ुर्रुकुम और यज़ुर्रून, या कोई तुम्हें नुकसान, या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो जवाब क्या देते हैं? कालू, तो वो कुफार कहते हैं। अब देखें, ये बगैर अकल के, बगैर शऊर के आबाओ अजदाद की तकलीद करना, इसको कुरान यहां पर डिनाई करता है। कालू, बल वो लोग क्या कहते हैं, बल वजद ना आबा ना कजालिक, हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह इबादत करते हुए देखा, ये फालून के वो इसी तरह की इबादत अंजाम देते हैं। ये एक आयत। दूसरी आयत सूरह अंबिया की आयत नंबर 66 इसी नुक्ते की तरफ इशारा करती है, यानी इसी अकीदे दोवुम दूसरे अकीदे को बातिल करार देती है इस आयत में। قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, कि तुम खुदा को छोड़कर इनकी इबादत करते हो, उन बुतों की इबादत करते हो कि जो ना तुम्हें, ला यनफउकुम शैअन, ये अरबी में कहलाता है नकेरा, और इसका जो एडवांटेज है इस सेंटेंस का, इस अंदाज से, ला यनफउकुम शैआ, यानी इसको अगर हम इसका तर्जुमा करें तो यूं होगा कि जर्रा बराबर भी तुम्हें कोई नफा नहीं देगा, जर्रा बराबर भी तुम्हें कोई नफा नहीं देगा, वला यज़ुर्रुकुम, न तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 66। सूरह अंबिया की आयत नंबर 67 उसके बाद वाली आयत, उफ़िल लकुम,
वाय हो तुम पर, उफ हो तुम पर, वलेमा ताबुदू ना, तुम पर भी उफ हो और तुम्हारे उन बुतों के ऊपर भी उफ हो कि जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर। अफला ताकिलून, ताकुल नहीं करते हो, सोचते नहीं हो कि जो जिसकी तुम इबादत करते हो तुम्हें नफा दे रहा है ना नुकसान दे रहा है। हो सूरह माईदा आयत नंबर 76, कुल अताबुदूना मिन दुनिल्लाह मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रा वला नफ़अ, कह दो कि अताबुदूना मिन दुनिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा तुम बुतों की, दूसरे खुदाओं की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए न तुम्हारे नुकसान पहुंचने की कुदरत रखते हैं, न नुकसान पहुंचाने की कुदरत रखते हैं, न फायदा पहुंचाने की कुदरत रखते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 148, अलम यरो अन्नो ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तखज़ुहु व कानू ज़ालिमीन, क्या वो लोग वो कुफार नहीं देखते हैं? अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, कि इनका खुदा इनके साथ गुफ्तगू नहीं करता है। वला यहदीहिम सबीला, स्टैचू है ये, बैठा हुआ है ये, किसी रास्ते की किसी चीज की तरफ हक की तरफ हिदायत देने वाले नहीं है, जबकि जो खुदा है अल्लाह सुबहानहु व तआला है, उसने अंबिया भेजे, वो अंबिया के जरिए से है, कुरान के जरिए से हमारे साथ कलाम करता है, वो हमें हिदायत की तरफ रास्ता दिखाता है। अलम यारो अन्नहु ला युकल्लिमुहु, ये स्टैचू ये बुत कोई कलाम नहीं करते हैं, वला यहदीहिम सबीला, और नहीं सबील रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं, सबीलन तखज़ूहु, कि कोई रास्ते की तरफ हिदायत नहीं देते कि जिसको ये लोग जो इंतखाब इसको उस रास्ते पर चलें, ये तो स्टैचू पड़े हुए हैं, ये तो बैठे हुए हैं, खुद हाथों से बनाए हुए ये। वकानु ज़ालिमीन, और ये लोग जुल्म करने वाले हैं। तवज्जो करें यहां पर जुल्म, इंशाल्लाह इसको हम आगे जाके इसको बयान करेंगे कि देखिए जुल्म, जब जुल्म की बात आती है तो जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म यानी किसी के हक को पामाल करना। अब उर्फ में जो जुल्म होता है वो ये कि आप किसी के माल को चुरा लें, किसी के जान और किसी के बदन को नुकसान और अजियत पहुंचाएं, ये उर्फी जुल्म है। लेकिन एक जुल्म जो एक वसी मानों में है, एक्सपेंडेड मानों में है, वो क्या है? वो ये किसी के हक को जाया करना। यहां पर हक के मौला और हक के खुदा को जाया किया हमने। खुदा का हक क्या था? कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, वही फकत लायक इबादत है। जब हमने गैर खुदा को इताअत की और गैर खुदा को हमने पुकारा और उसकी इबादत की, तो हमने मौला और अपने खुदा के हक को जाया किया। जब हमने खुदा के हक को जाया किया तो हम जालिम बन गए हैं, ये कुफार जालिम बन गए हैं। खूब ये आयत आपने मुलाहिजा फरमाई, सूरह अंबिया की दो आयत, सूरह माईदा की आयत, सूरह आराफ की आयत। यहां पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, वो नुक्ता तवज्जो फरमाए कि इन आयात से एक और नुक्ते का इस्तेफादा होता है। वो क्या इस्तेफादा होता है? इन आयात से एक नुक्ते का इस्तेफादा होता है कि देखें, जो इंसान जब खुदा की इबादत की जाती है, जब खुदा की इबादत की जाती है तो एक दफा तो इंसान खुदा की इबादत करता है, खुदा को लायक इबादत समझता है, जो सूरह हम की इब्तिदा की आयात में हमने मुलाहिज़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, जो आलमीन का रब है, सारा इख्तियार उसके पास है, सारी ताकत और कुदरत उसके पास है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि फकत वही लायक इबादत है, फकत वही लायक इबादत है, जो अमीरुल मोमिन सलामुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, माबत खुदाया मैंने तेरी इबादत न जन्नत की लालच में की ना जहन्नुम के खौफ में, बल्कि तू लायक इबादत समझा, तू मौला है, तू खालिक है, तू रब है, तू रहमान है, तू मेरा पालने वाला है, तू कायनात का पालने वाला है। एक
ये इबादत कि आमतौर पर जो गैर अज मासूमीन है, गैर आयमा या थर्जम इस्लाम और अम्बिया और आयमा या थर्जम इस्लाम है, वो उस आला दर्जे की इबादत नहीं करते हैं। हम आमतौर पर कहते हैं भाई जहन्नुम के खौफ से करते हैं, जन्नत की लालच में करते हैं। लेकिन इन आयात को पढ़ने के बाद एक नुक्ता तवज्जो करें, इन आयात को पढ़ने के बाद एक नुक्ते का इस्तेफादा होता है, अवामी नुक्ता है, यानी अवाम की इबादत का मंशा क्या है, अवाम खुदा के सामने क्यों सर झुकाते हैं, क्यों परस्तिश करते हैं। इसलिए कि खुद खुदा से कोई नफा चाहिए उनको, खुदा से। लेकिन इन आयात में क्या बयान किया कि ये बुत जिनकी तुम इबादत करती हो इससे तुम्हें क्या नफा मिलेगा, यानी इबादत इंसान क्यों करता है? इंसान इबादत करता है इस वजह से ताकि अपने रब, अपने खालिक, अपने मालिक से फायदा उठा सके, जिसको हम जन्नत की लालच कहते हैं। या इंसान इबादत करता है, क्यों इबादत करता है? कि कहीं ऐसा ना कि दुनिया में बला आ जाए, दुनिया में मुसीबत आ जाए। अब आप देखें टेलीविजन वगैरह में, या अगर आप एक जनरल अगर आप इंसानों को देखें तो मुसीबत में हमेशा पुकारते हैं खुदा को। एक कुरान की आयात भी इंशाल्लाह उसकी तरफ इशारा करती है कि इंशाल्लाह उसको देखेंगे बाद में कि इंसान मुसीबत में खुदा को पुकारता है, या जिसको भी पुकारता है वो मुसलमान। मुमकिन है कोई, हम मुसलमान तो अल्लाह को मानते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो जो बुत परस्त हैं, वो फौरन अपने बुतों के सामने जाके सजदा करते हैं। अगर उनको कोई चीज चाहिए, अगर उनको किसी चीज का खौफ है, तो जाते हैं फौरन बुतों की परस्तिश करते हैं। तो तवज्जो करें, ये एक ओकलाई कानून है। ओकलाई किसको कहते हैं? तमाम साहिबान अक्ल, यानी गोया खुदा वाले मुताल ने फितरत में डाला है। बस मिस्टेक कहां पर होती है? मुसलमान सही जगह पर पहुंचे और जो नॉन मुस्लिम है वो गलत जगह पर पहुंचे, लेकिन एक फितरत मौजूद है। वो फितरत क्या है? वो फितरत ये है कि इंसान या हकीकी खुदा या अपने जहनी बनाए हुए खुदा के सामने फौरन जो कि वो जाके झुक जाए, उसे दुआ करे, उसे पुकारे, ताकि जो उसको बेनिफिट लेना है वो बेनिफिट मिल जाए, जिस बात का डर व खौफ है वो डर व खौफ खत्म हो जाए, वो नुकसान टल जाए। तो ये एक इंसान की फितरत है, यानी इंसान गोया इबादत करता है दुनिया के फायदे के लिए। एक रिवायत है, अभी फिलहाल वो रिवायत बेअैन ही मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मफहूम में रिवायत बहुत ही खूबसूरत रिवायत है कि उसमें मासूम ज़रा साहब इमाम से या इमाम हुसैन से, याद नहीं एग्जैक्टली किस मासूम से रिवायत है, कि मासूम इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोगों को बीमारी का खौफ ना होता, दुनियावी बलाओं का खौफ ना होता, तो कोई भी खुदा की इबादत ना करता, कोई भी खुदा की इबादत ना करता। यानी ये बाज़ोकात इंसान कहता भी है ना कि भाई हमने तो सारे वाजिबात को अंजाम दिया, हम तो खुम्स देते, हम नमाज पढ़ते, फिर हमारे घर में बलाएं क्यों आ रही है? ये वही बैक ऑफ द माइंड क्या है हमारे कि हम नमाज पढ़ते हैं तो ये बलाएं टल जानी चाहिए। अब ऐसा है भी, हकीकत भी है ऐसा, लेकिन चूंकि हमारी इबादत टूटी फूटी इबादत है, हम समझते सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात इबादत है, बाकी हम चाहे अपने अकीदे में, चाहे हम जो को अपनी सारी जिंदगी में मुशरिक हों, उसकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं है। हमने कहा कि भाई हमने नमाज पढ़ लिया, हमने खुदा पर एहसान कर दिया, अब खुदा के ऊपर वाजिब है कि बस दुनिया भर की सारी रहमतें हम पर नाजिल हो। वो कुरान की आयत है इज लव आमनु वत्तकु लफतहना अलैहिम बरकात लफतहना अलैहिम मिनस समावात लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समा। इस तरीके से आयत है, मफहूम आयत ये है कि अगर एक, ये भी हकीकत है, लो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकु, अगर एक गांव, एक देहात, एक शहर अगर ईमान
خوب توجہ فرمائیں کہ خوب قرآن کی آیت بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے لو انا اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. تقریباً یہی آیت ہے کہ اگر اہل قرآ اگر جو ہے وہ ایک گاؤں ایک دیہات اگر ایمان لے کر آ جائے تقوی اختیار کر لے تو ہم آسمانوں سے ان پر برکات کو نازل کریں گے. تو خدا کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہے, حقیقت ہے یہ. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے گھر میں برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہے, اگر ہمارے گھر میں مشکلات ہیں مصیبتیں مصائب ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں کوتاہیاں ہیں, ہماری زندگی میں پرابلمز ہیں. پرابلمز ہیں یعنی ہماری عبادتوں میں پرابلمز ہیں, ہماری خدا کے ساتھ ارتباط اور کنیکشن میں پرابلمز ہیں. تو یہ حقیقت ہے. اگرچہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بابا مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے, میں اس لیے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں. وجد تو کا اہل للعبادہ, خدا ہم میں نے تجھے اہل للعبادہ پایا ہے اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں, نہ کہ دنیا بھی نقصان یا آخرت کے نقصان اور آخرت کے فائدے کے لیے. بس اس آیت سے ان آیات سے ایک اور جو ہم نے الگ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہم نے استفادہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو نفع نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے. یہ خوب ایک جس کو تجارت یا غلاموں والی عبادت سے تعبیر کیا گیا, لیکن ایک جنرل عبادت اولیاء اللہ اور انبیاء اور آئمہ اطہار علیہ السلام سے ہٹ کر جو عبادت ہوا کرتی وہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوا کرتی ہے. بس خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس دوسرے عقیدے کو قرآن کی آیات رد کر رہی ہیں. دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ کہ ہم واسطہ قرار دیتے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے اور ان واسطوں کی عبادت کرتے ہیں, یعنی کفار عبادت کرتے ہیں تاکہ خدا کا تقرب حاصل ہو. خدا تک جو کوئی رسائی نہیں ہے تو خدا ان کو باطل کرتا ہے, اس عقیدے کو رد کرتا ہے, ڈینائی کرتا ہے. کس طرح ڈینائی کرتا ہے, رد کرتا ہے؟ کہ یہ کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں, یہ تمہاری آواز کو سننے والے نہیں ہیں, یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں, یہ تمہاری کوئی ہدایت نہیں دینے والے ہیں, یہ تم سے کلام نہیں کرنے والے ہیں. خوب یہ دوسرا آغا خوئی نے بیان کیا. اور تیسرا, اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ آغا خوئی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے, ایک ایسا فطری عقیدہ ہے کہ انسان محتاج کی عبادت نہ کرے. یہ ایک فطری عقیدہ, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ وسیع ہی کیوں نہ ہو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 کہ خداوند متعال حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَإِذْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ, کیا تم نے لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو, یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا, مجھ کو اور میری ماں کو خدا قرار دو؟ اے عیسیٰ, تم نے یہ اپنی امت سے یہ کہا ہے؟ قال سبحانک, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, خداوندہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا ہوں جو میرا حق نہیں ہے. میری عبادت ہونا یہ میرا حق نہیں ہے, یہ صرف تیرا حق ہے, یہ صرف خدا کا حق ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی, اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی
तो तू बेहतर जानने वाला है, तू उस चीज को भी जानने वाला जो मेरे नफ्स में है। वला आलम मा फी नफ्सिक, जबकि तेरे नफ्स में क्या है, तेरे इरादे में क्या है, तेरे तू क्या सोचता है उसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं जो सोचता हूँ उसको तो तू जानता है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, तू गैब को जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही मगर जो बात कही है, जो बात कही है, जो बात कही है वही कही है जिसका हुक्म तूने मुझे दिया है। वो क्या है, अन यबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि तुम सब इबादत करो अल्लाह की जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। तो तवज्जो क्या आपने, ये एक ऐसा फितरी अमल है, हत्ता नबी में भी, जो को नबी की भी इबादत नहीं हो सकती है। वो लोग जो कि वो खुदा का मुकर्रब तरीन, खुब उन बुतों से ज्यादा मुकर्रब है ना, वो नबी, वो औलिया, वो आइमा अथार अलीम सलाम, खुब बुतों से ज्यादा यकीनी तो कोई शक नहीं। हम इंसानों से, हम इंसान जो उन बुतों से ज्यादा अफजल है, तो अम्बिया और आइमा अथार अलीम तो कतअन जो वो खुदा के मुकर्रब बंदे हैं, साहिब इख्तियार है, साहिब कुदरत है बेइज़्निल्लाह। उसके बावजूद वो लायक इबादत नहीं है, तो फिर कोई किस तरह लायक इबादत हो सकता है। खुब ये एक ऐसा फितरी अमल है कि इस दो आयतों में बयान किया गया। खुब उसके बाद तीसरा अकीदा, तीसरा रद। अब ये चूंकि हमारा गैप भी हो गया और अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, लिहाजा छह मिनट में खुद फरमाती है इस दूसरे अकीदे को तीसरे तरीके से, तीसरे दलील के जरिए से रद्द किया। कुरान रद्द करता है, किस तरह रद्द करता है, इस तरह रद्द करता है कि अल्लाह करीब है बंदों से, उसको वास्तों की जरूरत नहीं है, उसको वसीलों की जरूरत नहीं है, उसको वजीर और मिनिस्टरों की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट खुदा, खुदा जो अपने बंदे से इंतहाई करीब है। सूरह काफ, सूरह 50वां सूरह 50th सूरह काफ आयत नंबर 16, नहनु अक्रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी शहरग हया से ज्यादा करीब हैं। सूरह जुमर आयत नंबर 36, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या खुदा काफी नहीं है अपने बंदे के लिए, हर चीज में काफी है, सुनने के एतबार से और हर चीज में काफी है वो। या सूरह गाफिर 40th सूरा आयत नंबर 60, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा, नहीं कहा कि वास्ते के जरिए, अगर से वो वास्ते की बात हम बहस बाद में करेंगे, वास्ते की बहस हम बाद में करेंगे, लेकिन खुदा मोहताज नहीं है। उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सूरह अनआम की आयत नंबर 18, वहुवल काहिरु फौका इबादिही, वो काहिर है, वो हर चीज को अपने तसल्लुत में लिए हुए हैं, बादशाह डायरेक्टली तसल्लुत में नहीं लिया हुआ है, बादशाह अपने वास्तों के जरिए से, अपने मिनिस्टरों के जरिए से, अपने वजीरों के जरिए से लोगों पर हुकूमत करते हैं, जबकि खुदा वहदुल्ला शरीक वल कायर फौका इबादी, तमाम बंदगान खुदा के बाद उसकी कहारियत है, उसका सुल्ता है, उसका इख्तियार है। वहुवल हकीमुल खबीर, वो हकीम भी और जानने वाला है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 29, कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहू यअलमुहु अल्लाह, अगर तुम अपने नफ्स में, अपने सीनों में अगर कोई चीज छुपाते हो या जाहिर करते हो, खुदा जानता है उसको। वह यअलमु मा फी समावाती व मा फी अर्ज़, वो आसमानों में जो कुछ है उसको जानता है, जमीनों में जो कुछ है उसका जानता है। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, बस ये जो एक कंसेप्ट है कि खुदा जो बंदे और खुदा के दरमियान कोई इर्तिबात नहीं है, ये आयत उनको डिनाई कर रही है, बातिल कर रही है, नहीं, खुदा डायरेक्टली अपने बंदों से जो को कनेक्टेड है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 107, अगर तुम्हें अल्लाह अगर तुम्हें कोई मुश्किलात में अगर गिरफ्तार करता है तो खुदा के अलावा कोई भी उसको तुम्हें नहीं निकाल सकता उस मुश्किलात से। वही यूरित का बेखैरिन, और अगर खुदा तुम्हें खैर का इरादा करता है तो दुनिया की कोई ताकत जो को तुमसे खैर को जो को नहीं छीन सकता है। सूरह अनाम की आयत नंबर 17 भी इसी मफहूम की है। सूरह राज आयत नंबर 26, अल्लाह यक्सुतुर रिज़्क़ा लिमन यशा व यक़दिर,
अल्लाह रिस्क देने वाला है, लेमई ऐसा जिसको चाहता है वही यकदीर और वही कुदरत रखता है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 58, इन्नल्लाहु वर्राज़िकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, खुदा ही रज़ाक है, खुदा ही फकत रिस्क देने वाला है और वही साहिब कुदरत और साहिब ताकत और कुदरत है। सूरह शूरा आयत नंबर 11, लैस कमिस्ले शैयुन वहुवस समीउल बसीर, वही खुदा है उसकी मानिंद कोई नहीं है, वो सुनने वाला भी है देखने वाला भी है। देखें उन बुतों में क्या था, वो बुत न सुनते थे न देखते थे, जबकि खुदा के हो समीउल बसीर। यानी ये आयात बता रही है कि इबादत का मंशा क्या है, इबादत किसकी की जाए, जो ये सलाहियत रखता हो, जो ये सुल्तान रखता हो, जो ये ताकत और कुदरत रखता हो। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 54, अला इन्नहु बिकुल्ली शयइन मुहीत, हर शय को इहाता किया हुआ है। यानी अगर जब आप चादर ओढ़ते हैं तो चादर पूरे आपके बदन को क्या करती है, इहाता कर लेती है। खुदा की जात हमारे हर शय को, सिर्फ हमारे जाहिरी वजूद को नहीं, हमारे नफ्स को, हमारे अक्ल को, हमारे शऊर को, हमारी हर चीज, फकत हमारी नहीं, हर शय जिसके ऊपर भी शय का इतलाक है, जिसको भी शय कहा जा सके, उन सब को जो इहाता किए हुए है। खूब, ये तीसरा नजरिया, दूसरे नजरिए का तीसरा रद। इंशाल्लाह इसको मजीद कुछ आयात है, इसको इंशाल्लाह अगली दफा इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।